एच नाम वाले लोगों का 2018 का संपूर्ण भविष्य फल। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राजा मिश्रा और आप देख रहे हो मिश्रा फॉर यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ, जिस किसी भी व्यक्ति के नाम का पहला अक्षर एच है, यानी एच से जिसके नाम शुरू होता है, जैसे कि एच से हर्ष, इस टाइप से यदि किसी भी व्यक्ति के नाम का पहला अक्षर एच है तो उसका आज मैं 2018 का पूरा संपूर्ण भविष्य फल बताने वाला हूँ। परंतु उससे पहले आपको एक बात और बताना चाहता हूँ कि यदि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें। और आप सभी के विशेष रिक्वेस्ट पर मैंने एक और चैनल बना दिया है जिसका नाम है ट्विस्ट एंड अपडेट, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के नीचे मिल जाएगा। मैंने मोटिवेशनल वीडियो बनाया था 2-3, जिसे आप लोगों ने काफ़ी पसंद किया और आप लोगों का आग्रह हुआ कि सर आप एक चैनल अलग से मोटिवेशनल वीडियोज के लिए बनाएं। तो मैंने आपके लिए एक अलग से चैनल बना दिया जिसमें लगभग 16,000 सब्सक्राइबर हैं उसमें, या हो चुके हैं, जो आप लोगों के सपोर्ट के बिना संभव नहीं था। तो आप उस चैनल को विजिट करें और उसे भी सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें और अपने जीवन का जो सही आनंद है वो इस चैनल से उठाएं। तो चलिए शुरू करता हूं और आपको बताता हूं कि एच नाम वाले लोगों का 2018 का समय जो है वो कैसा रहने वाला है। साल 2018 में कर्क राशि यानी एच नाम के जो व्यक्ति होते हैं उनकी राशि होती है कर्क। साल 2018 में कर्क राशि के जातकों की महत्वाकांक्षाएं पूरी होंगी। बस आपको यह पहचानना होगा कि आपका पक्ष किस मामले में सबसे ज्यादा मजबूत है। दूसरे शब्दों में कहूं तो आपको अपनी क्षमता पहचाननी होगी। सितारों की भविष्यवाणी के अनुसार अपने करीबियों से बातचीत करने में सावधानी बरतनी होगी, क्योंकि मतभेद होने की संभावना नजर आ रही है। यह भी हो सकता है कि आपके अपने लोग ही आपकी बातों को ना समझे और इससे आपके रिश्तों में खटास आ जाए। इसलिए आपको सलाह दी जाती है कि आप अपने स्तर पर सतर्क रहें। फलादेश 2018 के अनुसार गृहस्थी के मामले में यह साल मिले जुले परिणाम देगा। परिवार में शांति का माहौल होगा। इस अवधि में माता पिता का पूरा सहयोग मिलेगा, लेकिन माता पिता की सेहत का आपको खासकर ख्याल रखना होगा। वहीं दूसरी ओर भाइयों से किसी बात को लेकर के वाद विवाद हो सकता है, इसलिए उससे बातचीत के दौरान आपको अपनी वाणी पर नियंत्रण रखना होगा। जीवन की साथी जीवन साथी के साथ तर्क वितर्क करने से बचें, यानी बहस ना करें, नहीं तो वैवाहिक जीवन में दिक्कतें आ सकती है। कर्क राशि के जातकों को अपनी साथी के साथ ज्यादा वक्त गुजारने का प्रयास करना चाहिए, इससे आपके रिश्तों में मधुरता आएगी। साल 2018 में आपके बैंक खातों में पैसे की कमी नहीं रहने वाली है, यानी पैसे पर्याप्त रहेंगे, लेकिन आपके खर्चों में भी वृद्धि होगी। आर्थिक संकट से बचने के लिए अनावश्यक खर्चों पर लगाम लगाना होगा। इस दौरान आपकी जिंदगी आनंद से कटेगी, साथ ही आप बच्चों और जीवन साथी के साथ कहीं घूमने जा सकते हैं। हालांकि इसके लिए आपको कड़ी मेहनत भी करनी पड़ेगी। पढ़ाई में बच्चों का प्रदर्शन अच्छा रहेगा, परीक्षा में वे अच्छे नंबर लाएंगे और इस साल जमीन खरीदने और बेचने की योजना भी आपके घर में बन सकती है। राशिफल 2018 के अनुसार कर्क राशि के जातकों को इस साल कानूनी समस्या का सामना करना पड़ सकता है। हालांकि साल के अंत तक आपकी ये दिक्कतें खुद व खुद दूर हो जाएंगी। कार्यस्थल की बात करें तो किसी ऊंचे पद पर आपकी पदोन्नति होगी, आपके कार्यों की तारीफ होगी और इस वजह से ऑफिस में आपका सम्मान बढ़ जाएगा। इस साल व्यस्तता के कारण आप थोड़े से परेशान हो सकते हैं। यदि सेहत की बात करूं तो सेहत के मामले में आपको थोड़ी सावधानी बरतनी होगी। कुछ पुरानी बीमारियों से परेशानी हो सकती है। खान पान पर विशेष ध्यान देना होगा। साथ ही काम के बीच में आराम करना भी आवश्यक है। योग और ध्यान करना आपके लिए फायदेमंद होगा। कुछ मुश्किलों को एक किनारे रख दें तो बाकी यह साल जो है आपके लिए बढ़िया रहने वाला है, लेकिन इस दौरान आपको कई सुनहरे अवसर भी मिलेंगे जिसका फायदा आपको उठाना होगा। यदि आप किसी प्रकार व्यायाम करते हैं तो आपको कई चुनौतियों का
यदि आप किसी प्रकार का व्यवसाय करते हैं तो आपको कई प्रकार की चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन आपको कुछ ऐसे बेहतरीन मौके भी मिलेंगे जिसका इंतजार आपको कई सालों से था। निवेश करने से पहले अच्छे से सोच विचार कर लें। 2018 में आपका कैरियर। वैदिक ज्योतिष फल 2018 के अनुसार इस साल दफ्तर में आगे बढ़ने के कई सुनहरे मौके भी मिलेंगे। आपके काम करने के तरीके से सीनियर्स और बॉस काफी प्रभावित होंगे। इसके अलावा प्रमोशन की भी प्रबल संभावनाएं नजर आ रही है और मोटी सैलरी भी मिलेगी। कार्यस्थल पर पद प्रतिष्ठा भी बढ़ेगी। हालांकि ऑफिस में होने वाली कानीफूसी से आपको दूर रहना चाहिए। ऐसी गतिविधियों में शामिल होने के कारण आपकी छवि खराब हो सकती है। इस अवधि में अति आत्मविश्वास से बचें, यानी ओवर कॉन्फिडेंस से बचें और अपनी योग्यता पर ध्यान दें। 2018 में आपकी आर्थिक स्थिति की बात करूं, साल 2018 की भविष्यवाणी के अनुसार यह साल आर्थिक मामलों में उतना खास तो नहीं, लेकिन संतोषजनक जरूर रहेगा। आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए आप जी तोड़ मेहनत करेंगे। पैसों की अभाव नहीं रहेगी, बहुत सारे पैसे आएंगे आपके पास और आपके प्रयासों से आमदनी में अपार वृद्धि होगी। अपनी आमदनी को बढ़ाने में आप सफल रहेंगे। वहीं दूसरी ओर खर्च बढ़ने के कारण आर्थिक संकट का भी सामना करना पड़ सकता है। 2018 में यदि आपकी शिक्षा की बात करूं तो इस साल विद्यार्थियों को कई सुनहरे मौके मिलेंगे। आपको कड़ी मेहनत की बदौलत अच्छे परिणाम भी मिलेंगे। यह परिणाम आपके दृढ़ संकल्प से ही मिलेंगे, इसलिए पढ़ाई को गंभीरता से लें। वैसे पढ़ाई में आपका मन भी लगेगा। इस साल आपका नामांकन मनचाहे कॉलेज में होगा। इस साल आपके कई सपने हैं और इन्हें प्राप्त करने में आप किसी प्रकार की कोई कोताही नहीं करेंगे। 2018 में यदि आपके पारिवारिक स्थिति की बात करूं तो सितारों की चाल बता रही है कि साल 2018 में गृहस्थ जीवन में आपको मिले जुले परिणाम मिलेंगे। परिवार में हंसी खुशी का माहौल रहेगा और परिजनों के साथ मौज मस्ती के लिए खूब समय मिलेगा। हालांकि परिवार में कुछ मतभेद भी हो सकते हैं, लेकिन आप अपने तरीके से उनका समाधान निकालने में सफल रहेंगे। साल के शुरुआत में जीवन साथी के साथ अनबन के कारण आप तनावग्रस्त रह सकते हैं। राशिफल 2018 के अनुसार आप अपने परिजनों के ऊपर हावी रहेंगे। इसका सीधा असर आपके पारिवारिक संबंधों पर पड़ेगा। वैसे साल के अंत में परिवार में फिर से शांति का माहौल बन जाएगा और सभी लोग एक दूसरे से प्यार करेंगे। 2018 में यदि आपके प्रेम और विवाह की बात करूं तो प्रेम के मामले में यह साल बेहद ही खूबसूरत रहने वाला है। साथी के साथ संबंधों में मधुरता आएगी। आप एक दूसरे को समझेंगे और इससे आपके रिश्ते मजबूत होंगे। कर्क राशि 2018 के अनुसार इस साल आप कई रोमांटिक डेट पर एक दूसरे के साथ शानदार और यादगार पल भी बिताएंगे। साथी को सरप्राइज देने के लिए आप किसी खूबसूरत जगह की सैर पर भी जा सकते हैं। पार्टनर के साथ बिताया गया एक एक पल आपके रिश्तों के एक एक गांठ को मजबूती से बांधेगा। 2018 में यदि आपके स्वास्थ्य की बात करूं तो आपकी सेहत की बात करें तो स्वास्थ्य के प्रति लापरवाही आपको महंगी पड़ सकती है। नियमित रूप से व्यायाम करना आपके लिए फायदेमंद रहेगा। कोई पुरानी बीमारी आपको इस साल परेशानी में डाल सकती है। साथ ही उच्च रक्तचाप से भी कुछ दिक्कतें हो सकती है। जोड़ों में दर्द और अनिद्रा की समस्या हो सकती है। पूरे साल आपके स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव बना रहेगा। वहीं माता जी की सेहत चिंताजनक हो सकती है। कुछ उपाय बताता हूं जिसके कारण आपकी जो ये कुछ दुर्भाग्य है, बाकी समय तो अच्छा है परंतु कुछ समय जो बुरा है उसको भी आप अच्छे समय में बदल सकते हैं। ये कुछ उपाय बताता हूं आपको, जिसमें पहला उपाय वो है कि जरूरतमंद लोगों को आप कंबल बांटें। दूसरा जो है वो गले में अश्वगंधा की जड़ धारण करें अगर आप ये भी नहीं कर सकते तो। तीसरा उपाय ये है कि महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें और श्रद्धा भक्ति के साथ भगवान शिव की पूजा करें। कुत्तों को भी खाना खिलाएं। चार नंबर में है अगर आप ये नहीं कर सकते तो शनिवार के दिन साबुत उरद काला कपड़ा सरसों का तेल लोहा और लकड़ी का कोयला दान करें। अगर आप ये सब कुछ नहीं कर सकते तो सोमवार को जाकर के महादेव के मंदिर में उनको जल अर्पण करें, बेलपत्र अर्पण करें और उनकी पूजा करें। सब जय जय रहेगा। तो चलिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और यदि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और आपके सहायता की मुझे सख्त आवश्यकता है। अभी समय है आपके सपोर्ट की, तो आप जाएं और मेरे ट्विस्ट एंड अपडेट्स चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। उसे 15,000 से ऊपर लोग सब्सक्राइब कर चुके हैं और 25 अक्टूबर से आपको उस चैनल पर में मोटिवेशनल वीडियो मिलना स्टार्ट हो जाएगा। तो चलिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।